हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पार्ट दो भारत की संसद सिविक्स का देखेंगे। संसद संसद अर्थात सर्वोच्च सभा, जहां पर नियम कानून बनाए जाते हैं, उसे कहा जाता है संसद। तो भारत की हम सर्वोच्च सभा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि अब ये जो है ये हमारा संसद भवन है, ये आपने टीवी वगैरह पे भी देखा होगा। ये जो है संसद भवन, भारत का संसद भवन जो है ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? यह दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का संसद भवन कहाँ स्थित है, तो भारत का संसद भवन दिल्ली में स्थित है। जैसे कि इसके पहले आपने देखा है कि हमने देखा संसदीय शासन प्रणाली में संसद महत्वपूर्ण है। जो इसके पहले आपने चैप्टर देखा संसदीय शासन प्रणाली, तो उसमें जो है संसद जो है वह एक अहम भूमिका निभाता है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में आपने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि भारत की संसद का किस तरह से योगदान है और वहां पे नियुक्तियां किस तरह से होती हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत की संसद निर्मिति संविधान द्वारा हुई है। तो ये जो सर्वोच्च सभा है इसका निर्माण किसने किया है? संविधान ने किया है, राइट? तो खालिस्तान में भी आ सकता है कि भारत की संसद की निर्मिति खालिस्तान द्वारा हुई है। तो किसके द्वारा हुई है? संविधान, जो हमारा संविधान रचना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम अपने राष्ट्र के स्तर पर देखते हैं, अर्थात संघ शासन प्रणाली के विधानमंडल को संसद कहा जाता है। तो संसद किसे कहते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात संघ शासन प्रणाली जो सारे नियम कानून को देखती है, तो शासन प्रणाली के विधानमंडल, विधान अर्थात कानून, नियम कानून जहां पर बनाए जाते हैं, तो विधानमंडल को ही संसद कहा जाता है। एक वाक्य के लिए आपको पूछा जा सकता है कि संसद किसे कहते हैं? तो संसद अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात संघ शासन प्रणाली के विधानमंडल को ही संसद कहते हैं। उनके अनुसार अब उसमें संसद में महत्वपूर्ण कौन होता है? तो उसके अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है। तो संसद में किसका किसका समावेश होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश होता है। और राष्ट्रपति भारत के संसद के अविभाज्य घटक है। खालिस्तान के लिए आ सकता है आपको कि खालिस्तान भारत की संसद के अविभाज्य घटक है। अविभाज्य मतलब जो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वह एक अहम भूमिका संसद में, सर्वोच्च सभा में एक अहम भूमिका राष्ट्रपति निभाता है। परंतु वे सदन में उपस्थित रहकर चर्चा में सहभागी नहीं हो सकते हैं, अर्थात वे चर्चा में कभी भी सदन में वो उपस्थित नहीं होते हैं, समक्ष रूप से वो सहभागी नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे कि संसद, ये जो हमारा संसद भवन दिख रहा है, तो संसद के दोनों सदनों को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। तो संसद के कितने सदन होते हैं? दो। संसद के सदनों को क्या कहा जाता है, कौन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इस तरह से संसद को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे कि लोकसभा, लोकसभा किसे कहते हैं और वहां पे किस तरह से प्रतिनिधि का चुनाव लोकसभा में होता है। तो लोकसभा अर्थात भारतीय संसद के कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, कनिष्ठ अर्थात क्या होता है? छोटा। तो भारतीय संसद के कनिष्ठ और प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा किसे कहते हैं? लोकसभा अर्थात भारतीय संसद के कनिष्ठ, जो सबसे छोटा होता है और प्रथम सदन होता है, मतलब पहला सदन अर्थात घर, स्थान, आवास, तो प्रथम स्थान होता है, उसी को लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा संसद का वह सदन है जहां प्रतिनिधि लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं,
अर्थात जिन्हें हम वोट देते हैं, वह जो है समक्ष रूप से लोकसभा का सदस्य होता है, वह जो है वहां पर सम्मिलित होता है। इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन बन सकता है कारण लिखो के लिए, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारतीय संसद के कनिष्ठ और प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, लोकसभा संसद का वह सदन है जहां प्रतिनिधि लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। तो लास्ट में, इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। यही कारण है क्योंकि वहां पर डायरेक्ट जो है जिसे हम चुन रहे हैं नेता, वह जो है डायरेक्ट वहां पर सम्मिलित होता है, इसीलिए उसे प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा में भौगोलिक चुनाव क्षेत्र प्रतिनिधि द्वारा प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है। भौगोलिक अर्थात जहां पर आप रहते हो, हर एक एरिया वाइज क्षेत्र के अनुसार क्या किया जाता है कि क्षेत्र के अनुसार जो है भौगोलिक चुनाव क्षेत्र अर्थात क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर प्रत्याशियों को, प्रत्याशी मतलब व्यक्ति जो उम्मीदवार है, जो चुनाव क्षेत्र चुनाव के लिए खड़ा होता है, उसे कहा जाता है प्रत्याशी। तो प्रत्याशी को चुनकर भेजा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल खाली स्थान वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। एक वाक्य के लिए भी आ सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। तो कितने साल बाद होते हैं? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो जब उनका 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल, 5 वर्ष का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है, पूर्ण कर लेते हैं, तो जो है वहां पर पुनः चुनाव किया जाता है, अर्थात 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है। कई बार 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले लोकसभा को विसर्जित करने के कई उदाहरण हैं। कभी कभार क्या होता है कि 5 साल पूरा नहीं होता है, लेकिन किसी कारणवश जो है उसे स्थगित कर दिया जाता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे समय करवाए गए चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। अब जब बीच में चुनाव होता है, अर्थात 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और बीच में ही जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसे मध्यावधि अर्थात बीच में होने वाला चुनाव कहा जाता है। तो इस तरह से लोकसभा में चुनाव की प्रक्रिया होती है। लोकसभा देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सदन है। तो किसका प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा? देश के लोगों का, इट मीन्स हमारा जो साधारण जनता है, क्योंकि साधारण जनता ही उन्हें चुनकर भेजती है लोकसभा में, तो इसलिए वह जो है प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। तो संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के अंदर जो है सदस्य संख्या कितनी होती है? 552 होती है। हमारे देश के सभी समाज घटकों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया जाता है। यहाँ पर कुछ स्थान जो है वह अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित होते हैं, उन्हें छोड़ा जाता है। तथा एग्लो इंडियन अर्थात माता पिता में से कोई एक विदेशी हो और एक इंडियन हो, भारतीय हो, तो ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं उसे कहा जाता है एग्लो इंडियन, अर्थात वो आधा जो है ब्रिटिश का है, इट मीन्स बाहर विदेशी है, और उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है। तो ऐसे लोगों को के लिए भी हमारे समाज में उन्हें भी एक उचित स्थान मिले, इसलिए राष्ट्रपति इस समाज के 2 प्रतिनिधियों को, अर्थात 2 लोगों को,
दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं, इट मीन्स उन्हें वहां पर रख सकते हैं, मनोनीत करना इट मीन्स उन्हें वहां पर रखना कि उन्हें अनुमति दे सकते हैं सदस्य संख्या के लिए। तो 552 में जो है इसमें अनुसूचित जाति जनजाति और एग्लो इंडियन के दो प्रतिनिधित्व का समावेश होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो है लोकसभा का कार्यकाल है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के लिए आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि लोकसभा जो है वह कनिष्ठ और प्रथम सदन होता है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि लोकसभा के जो प्रत्याशी होते हैं वह प्रत्यक्ष चुनकर जाते हैं। तीसरा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चौथी बात आपको याद रखनी है कि इसमें 552 सदस्य संख्या होती है जिसमें से कुछ स्थान अनुसूचित जाति जनजाति और दो प्रतिनिधि एग्लो इंडियन के सम्मिलित होते हैं।